आज हम सब यहाँ पर स्वर्गीय सुषमा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित आए हैं। सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि आज भी मन मानने को तैयार नहीं है कि सुषमा जी हम सबके बीच में। सुषमा जी के जाने से न केवल भारतीय जनता पार्टी, समग्र देश के राजकीय मानचित्र पर एक रिक्तता जो खड़ी हुई है वो शायद लंबे अरसे तक इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सुषमा जी ओजस्वी वक्ता रही, जागरूक सांसद रही, कुशल प्रसारक प्रशासक रही और विपक्ष के नेता के नाते जनता की आवाज को मुखर करने में संसद के अंदर कभी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। 75 से लेकर आज तक की इतनी लंबी राजनीतिक करियर कहीं पर किसी के साथ कोई कटुता करे बगैर सबको साथ में रखकर कैसे आगे बढ़ा जाता है उसका उन्होंने एक उत्कृष्ट उदाहरण राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए पेश किया है। विदेश विभाग में जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्री बनी, विदेश विभाग को जनता के साथ जोड़ना ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। विश्व भर में कहीं पर भी कोई भी भारतीय हो उसको जब भी सुषमा जी को वो ट्वीट करते थे तुरंत ही उनका जवाब भी जाता था, मदद भी होती थी। एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास और सफल यात्रा में जो योगदान दिया है उसको हम सब कार्यकर्ता चिरकाल तक स्मरण में रखेंगे और देश की संसद में उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। आज सुषमा जी नहीं है तब उनके परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे और सुषमा जी की आत्मा को चिर शांति दे, यही प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वह आए और श्रद्धांजलि दें।